आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। थॉमस, पेंटर चाचा कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। चलो हम उनसे चलकर उन्हें पूछें कि वे क्यों परेशान हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। पेंटर चाचा, आप परेशान क्यों हैं? बच्चों, मुझे इस स्तंभ को रंगने का काम मिला है। मैं प्रति वर्ग मीटर रंगने के 200 रुपए लेता हूँ, लेकिन ये स्तंभ तो बेलनाकार है, इसलिए मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मुझे इस स्तंभ के लिए कितने रुपए लेने चाहिए। बस इतनी सी बात पेंटर चाचा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसका उत्तर हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब तुम समझ गए ना थॉमस? बिल्कुल, इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, हमें चाचा की मदद करने के लिए सबसे पहले बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फिर हम इसे प्रति वर्ग मीटर रंगने की दर से गुणा करके बेलनाकार स्तंभ को रंगने का कुल व्यय ज्ञात कर सकते हैं। स्तंभ की ऊंचाई 3 मीटर है और इसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। थॉमस, क्या तुम्हें बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है? हाँ मानस, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई डी एच है, जहाँ डी और एच क्रमशः बेलन का व्यास और ऊंचाई है। शाबाश थॉमस, अब बस हमें इस सूत्र में स्तंभ का व्यास 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर को क्रमशः डी और एच की जगह लिखकर इसे सुलझाना होगा। इस तरह से सुलझाने पर हम देख सकते हैं कि बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,000 वर्ग सेंटीमीटर या 33,000 भाग 10,000 3.3 वर्ग मीटर है। हाँ मानस, और यदि हम इसे रंगने के प्रति वर्ग मीटर का दर 200 रुपए से इस तरह गुणा करें तो पाएंगे कि इस बेलनाकार स्तंभ को रंगने के 660 रुपए होंगे। अरे वाह थॉमस, चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चले। पेंटर चाचा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर पेंटर चाचा को उस स्तंभ को रंगने का व्यय बताया और पेंटर चाचा ने उन्हें उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित एक और मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की अच्छी समझ हो गई होगी।